दोस्तों देखिए, ये रेगुलेटर है। एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि इसे जब लगा रहे हैं तो लग नहीं रहा, जैसे इस प्रकार से लगा रहे हैं तो ये जो है मूव नहीं कर पा रहा है। देखिए इस प्रकार से, इसका एक छोटा सा नुस्खा बताऊंगा जिससे आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले ये देख रहे हैं ये, और आपको तो दोस्तों इसके लिए क्या करना है, सरसों का तेल आपके किचन में होगा और सलाई का तिगना या कोई भी ऐसा टूल से उसके माध्यम से ऐसे करना है, और जहाँ जहाँ बॉलब्रिंग से ये हिस्सा है देख रहे हैं, इसको ऑयलिंग कर देना है। थोड़ा सा, ज़्यादा मात्रा में नहीं देना, थोड़ा सा मात्रा में देकर इसको मूव कर दीजिए, और फिर रेगुलेटर को यहाँ पर लाएँगे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस प्रकार के शानदार वीडियो इस चैनल पर बनते रहते हैं। यहाँ पर लगाएँगे और आपका इसको देखिए, फिर से आपको मूव कर रहा हूँ, ये उठाया मैंने, इसे यहाँ लगाया और यहाँ पर। तो एक्चुअली कारण क्या था ये जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो ये मुंह जो इसका रहता है, ये हिस्सा, ये थोड़ा सा बड़ा दे देता है नया वाला में, और पुराना वाला घिसने के कारण थोड़ा सा कम हो जाता है। यही इसका मेन रीज़न था। यहाँ पर ऊपर किए, यहाँ पर ऑयलिंग किए थे, उसके बाद फिर ये रखेंगे। देखिए ये अंगूठा, देखिए दोनों अंगूठा को इस प्रकार से दाबेंगे और ये रेगुलेटर नीचे हो जाएगा। देखिए खुल रहा आराम से, आपका सारा काम होगा। थोड़ा सा नया टाइप का है इसलिए देखिए अब सही हो रहा काम। और गैस चेक करने का आपको एक छोटा सा टिप्स और ट्रिक्स बता। देखिए यहाँ जो है रेगुलेटर, ये रेगुलेटर उठानी है और इसको इस प्रकार से उठाना है। अगर गैस उठ गया है रेगुलेटर से तो आपका जो है सही से एडजस्ट हो गया है। तो इस छोटे से वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कोई नए प्रॉब्लम के साथ और उसके सॉल्यूशन के साथ। क्या बात है।